उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 जनवरी 2019 से प्रयागराज पूर्व इलाहाबाद में शुरू होने वाले कुंभ मेले के विवरण देते हुए ट्राई सिटी निवासियों को कुंभ मेले में आने का आमंत्रण दिया। CII कुंभ मेला 2019 के लिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय भागीदार है। तो भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना और प्रथम यज्ञ जब किया तो वो स्थान प्रयागराज था। उस प्रयागराज से जहां सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जहां पर तीन नदियां उनका संगम और उसके बाद गंगा का प्रवाह तीनों आत्मसात होकर एक होकर ऐसी पवित्र नगरी, तो प्रत्येक 6 वर्ष, ये तो कुंभ जो है वो 12 वर्ष में आता है, लेकिन अर्ध कुंभ के रूप में 6 वर्ष में इलाहाबाद। तो हमारी विरासत, हम अपनी सनातन संस्कृति को कैसे, जो हमारे दूर थी, जिसके लिए हम लोग सामान्य रूप से नहीं जान पा रहे थे, इसको जनवाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी ने मन में संकल्प लेकर आशीर्वाद दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने स्वयं वहां उपस्थित होकर गंगा के तट पर उसका पूजन करके इसको प्रारंभ किया था। मैं आपके बीच में अधिक कुछ न कहकर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में 4 स्थानों के ऊपर प्रत्येक 12 वर्ष में एक कुंभ होता है, एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में, एक नासिक में और एक इलाहाबाद में। जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था और देवता जो थे वो अमृत कलश लेकर जब चले थे तो कहा जाता है कुछ बूंदे गिरी थी अमृत की। ये अमृत की जो बूंदे गिरी थी ये वो 4 स्थान है, और इसीलिए प्रयागराज, चूंकि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के बाद जब पहला यज्ञ किया था तो एक प्रयागराज के अंदर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें लगभग 4300 करोड़ रुपए का अब तक व्यय किया है, 4300 करोड़, जिसमें भारत सरकार ने भी अपना सहयोग लगभग 1200 करोड़ रुपए का दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जैसा आपने वृत्त चित्र में देखा कि लगभग 10 और 9 ऊपरगामी पुल, 6 अंडरपास, सड़कों का जाल, हवाई अड्डे का विस्तार, अस्पताल का विस्तार, यूं क्योंकि लोग आएंगे, हमने 10,000 से ज्यादा लोगों के आने की अपेक्षा रखी है। चंडीगढ़ से विनोद कुमार की रिपोर्ट। समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एसटीवी।